नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है TEC का वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है और हमने जो है 7 मॉड्यूल बेसिकली जो इंटरनल असेसमेंट वाले होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को और उनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये जो है 6ठा मॉड्यूल है, चूंकि पहले मैंने 7वां मॉड्यूल कराया था क्योंकि वो 7वां मॉड्यूल पहले पढ़ना जरूरी था, फिर जो है 6ठा मॉड्यूल हमें पढ़ना था। सीक्वेंस वहां पर वैसा है, क्या नाम है आपके जो TEC का जो पोर्टल है वहां देखेंगे तो वैसा ही सीक्वेंस था, इसीलिए मैंने इनके नाम भी वैसे ही रखे हैं, मॉड्यूल 6 लेक्चर 1। अदरवाइज पहले जो मॉड्यूल है वो 7 जो है वो पढ़ना है और उसका जो लेक्चर है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आप भी इस वीडियो कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं indiankhabarchi.com, वहां से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के अंदर मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पर भी जा करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 6, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आपको अपने बिजनेस के जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिकली जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, आपको पता है 3 स्ट्रीम होती है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद इसको बहुत अच्छे से समझ सकें, है ना। जो साइंस के बच्चे हैं वो शायद इसको जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, या कोई आर्ट साइड का स्टूडेंट है तो वो भी इसको अच्छे से नहीं समझ पाएगा क्योंकि इसमें टर्म्स जो है अकाउंट से रिलेटेड टर्म्स आपको मिलने वाली है। बट घबराना नहीं है, आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा यहां पर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। भले ही इसमें कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आए तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहां पर करनी है, आपके जो खर्चे हो रहे हैं दिन के खर्चे, आप कितना कमा रहे हैं, वो सारी चीजों का जो हिसाब किताब है वो आप अच्छे से रख पाए, यही आज के इस लेक्चर का मोटिव है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शंस, सबसे मुद्दे की बात। जैसा कि मैंने आपको बोला, जब आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे तो आप क्या करोगे भाई, आप एक कोई कस्टमर आया उसने बोला जी मेरी जो है फ्लाइट की टिकट कर दो, तो आप क्या करोगे, आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, उसकी टिकट बुक कर दोगे और आप जो है ट्रांजेक्शन हो जाएगा, है ना। मान लो आपने उसके ऊपर 50 रुपए का जो है आपने 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उससे जो चार्जेस लिए वो अपने VLE वाले जो पोर्शन के चार्जेस लिए वो 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए, तो आपको तो प्रॉफिट 50 रुपए का हुआ, है ना। उससे जो है जो भी पैसा लिया वो आपने टिकट बनाने में भी यूज कर लिया, तो वो जो ट्रांजेक्शन है आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे, ये जो है आप जब आज का लेक्चर समझ लोगे तब आपको पता चलेगा। नहीं तो आपके मन में आएगा अरे यार 5000 रुपए की टिकट थी, 50 रुपए का प्रॉफिट, तो 5050 रुपए हुए, तो यानी कि मैंने 5050 रुपए कमाए, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आप बैकग्राउंड में ये भूल जाएंगे 5000 रुपए मैंने टिकट कराने वाले को भी तो दिए, जो पोर्टल यूज किया वहां पर भी तो टिकट किए, टिकट के पैसे दिए CSC सफर में जाकर के, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट 50 रुपए का हुआ सिर्फ। तो यही आपको आज की इस वीडियो को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपके सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम 3 चीजें देखते हैं, तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। याद रखिएगा 3 ही जो है हमारे पास स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट जिसको हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। हम इन तीनों को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नई टर्म हो ये सारी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये क्या स्टेटमेंट कैसा हो, कैश फ्लो का स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये तीनों जो है आपके सामने नई टर्म है। बट मैं आपको यहां पर इनके पहले एग्जाम्पल बता देता हूं किस तरह के ये दिखते हैं। अगर आप बैलेंस शीट की बात करो तो बैलेंस शीट में आप देख रहे हो असेट है, लाइबिलिटी है और इक्विटी है। ये हमने लास्ट मॉड्यूल यानी कि जो आपका 7वां मॉड्यूल था हमने उसमें समझा था असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। तो जब भी असेट लाइबिलिटी और इक्विटी को दिखाना हो तो हम किसको यूज करेंगे, बैलेंस शीट को। अपने दिमाग में इस चीज को अच्छे से फिट कर लो,
कि जब भी हम असेट लायबिलिटी और इक्विटी को दिखाएंगे तो बैलेंस शीट पर दिखाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में एक समझा था कि भाई आपका रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रेवेन्यू, कॉस्ट और एक्सपेंसेस, है ना। तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, आपके जो आपका जो रेवेन्यू होगा और क्या होगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट आता है ना। तो जैसे आपने कोई सामान बेचा तो सामान बेच करके जो पैसा आया दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इसको हमने जो है लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा था, यहां समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेवेन्यू के बारे में जानना चाहते हो लास्ट लेक्चर जरूर देख करके आए, मॉड्यूल 7 वाला, तो रेवेन्यू आपको पता चल जाएगा। अब उस रेवेन्यू को लेने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस लगे, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो आएगा आपका वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम किसमें देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट या लॉस, ये तीनों चीजें हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं। कुछ इस तरह का आपको डेटा मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो सैंपल है कैश फ्लो का। कैश फ्लो मतलब किसी भी कंपनी के अंदर जब आपने कोई फर्म खोली तो आपने कितना कैश इनपुट दिया और कितना कैश आउटपुट हुआ, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई आपने अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो बिजनेस होता है, जैसे आपने अपनी एक दुकान खोली कॉमन सर्विस सेंटर वाली, और वो दुकान एक बिजनेस है आपके लिए, वो एक एंटिटी है। अब वो ऐसा समझो ये एंटिटी है, आपने 1,00,000 रुपए इसमें पुट कर दिए, तो आपने अपनी जेब से 1,00,000 रुपए इस एंटिटी में दे दिए। अब ये 1,00,000 रुपए जो है रेंट में जाएंगे, कुछ पैसे रेंट में जाएंगे, कुछ जो है प्रिंटर में जाएंगे, कुछ बिजली के बिल में जाएंगे, कुछ पानी के बिल में जाएंगे। ये जो 1,00,000 रुपए आपने एंटर किए इस बिजनेस एंटिटी में, अब ये एक बिजनेस एंटिटी बन गई है। एक तरह से आपके सामने एक लाइव एक कुछ है। जैसे हम इंसान है, हमें खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हम खाना खाएंगे। ऐसे ही उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, कैश चाहिए। आप जो उसमें पैसा डालेंगे तो उसमें कैश आएगा। अब उस बिजनेस से उस पैसे को कैसे यूज करेंगे, रेंट में जाएगा, बिजली के बिल में जाएगा, पानी के बिल में जाएगा, आप कोई सामान खरीदेंगे उसमें जाएगा, प्रिंटर खरीदेंगे उसमें जाएगा। ये सारी चीजें जो ये फ्लो होता है कैश का, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है। तो तीनों जो है स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो, इनके बारे में एक एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो जाए इनको क्या करना है ना, इनके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ ए बिजनेस एग्जिस्टिंग असेट्स। मैंने जैसा कि बोला, हम इसमें किसको रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के जो असेट्स होते हैं, लाइबिलिटी को और इक्विटी को। जो टोटल असेट होता है वो आपका लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इक्विटी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। अब मैं यहां पर इक्विटी नहीं बताऊंगा, लाइबिलिटी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। बैलेंस शीट चेंजेस ऑल ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल बैलेंस शीट चेंज होती रहती है। एज ए बिजनेस रिपेज कैपिटल, राइजेस न्यू कैपिटल, एक्वायर्स न्यू असेट्स एंड सेल ओल्ड असेट्स। भाई बिजनेस के अंदर क्या होता है, आप कैपिटल रेज करते हो, कोई नया असेट खरीदते हो, कोई नया असेट बेचते हो, तो ये क्या होगा, पूरे साल चेंज होता रहेगा। बट एट ऑल टाइम्स टोटल असेट मस्ट बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इस फॉर्मूले को जो है ये फॉलो करेगा। इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटी कम्स फर्स्ट इन बैलेंस शीट, देन फॉलोड बाई असेट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आपकी इक्विटी आती है, उसके बाद लाइबिलिटी आती है, उसके बाद टोटल असेट आ, फॉलोड बाई असेट्स, है ना। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी कम फर्स्ट इन ए बैलेंस शीट फॉलोड बाई असेट, असेट के बाद जो है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये जो है आपके सामने दिख रहा है असेट, लाइबिलिटी और इक्विटी। ठीक है, यहां पर मैंने जो है लास्ट लेक्चर में इस डायग्राम से बताया था कि असेट क्या होते हैं। आपके पास जो कैश है वो आपका असेट है, आपके पास जो बिल्डिंग है वो असेट है, लाइबिलिटी क्या है, लोन है कोई, रेंट है, है ना, लोगों की सैलरी देनी है वो भी आपका जो है लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना, ये आपकी अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग जो आपको हो सकता है कभी बाद में मिले। ये सारी चीजें जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी अपने लास्ट लेक्चर में, यहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं, बट ये डायग्राम आपको दिखाया ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ ये सब चीजें पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर 3 फाइनेंशियल शीट्स
that used to record and report a business. जैसा कि मैंने बोला, हम तीन ही स्टेटमेंट यूज करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये तीन ही हैं, वो तीनों देख लो कहां पर है. यहां पर जनरल जर्नल है, नहीं होगा. बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लेजर, नहीं होगा. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जर्नल, जर्नल नहीं होगा. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बिल्कुल सही. तो डी आपका सही आंसर. ठीक है जी, यह है क्वेश्चन नंबर 9. अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड यूज द ट्रिपल एंट्री सिस्टम. नहीं, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था. अकाउंटेंट जो है डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, जैसा कि हमने देखा था डेबिट और क्रेडिट वाला रूल, जो थंब रूल था, जिसमें पर्सनल अकाउंट आपका रियल अकाउंट इनकी एंट्री होती है, नॉमिनल अकाउंट इनकी एंट्री होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके लिए, ये आपको करना है. जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया उनमें से ही एक मिला जुला क्वेश्चंस है, आपको इसका सही आंसर बताना है. ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट व्हाट. तो इस सवाल का जवाब आपको देना है. तो उम्मीद करता हूं आज का जो लेक्चर था रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ये मैंने आपको बताया. तो जब भी आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे, तब आपको, जब बिजनेस आप रिकॉर्ड करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड करना है. इसीलिए इसी ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एग्जाम को निकालने के पर्पज से तो भूल जाओ, लेकिन जब आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे उस समय आपको ये सारे ट्रांजेक्शंस कैसे रिकॉर्ड करने हैं, तब ये बहुत काम का लेक्चर है. तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई. कोई डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट करना. हमारा नंबर भी है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर, आप जो है व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई डाउट है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे. तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 6, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. मॉड्यूल नंबर 7 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब हम मॉड्यूल नंबर 8 जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे. तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद.